हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं पवन सोनी आपके लिए एक प्यारी सी पोएम लेके आया हूँ। अगर आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप इस पोएम को एंड तक ज़रूर सुनिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये पोएम होगी एक बेहतरीन अंदाज में मेरी आवाज़ के साथ, तो आप गौर से सुनिएगा, बताइएगा कि कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आधी रात पढ़ाई की गरीबी में दिल को मैंने ये कसम दिलाई, कैसे भी करके एक रात में बस पास हो जा मेरे भाई। हाँ ठीक है, थोड़ी एनाटॉमी से माथा पच्ची होगी, थोड़ी फिजियोलॉजी रात भर जगाएगी, कभी लोहा लेना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री के साइकिलों से, कभी फार्मा पढ़ते ही दिमाग से उतर जाएगी। सोचा नहीं होगा ये साइकोलॉजी साली अपने दिमाग का दही कर देगी, पैथोलॉजी मारेगी तमाचा ऐसा मुंह पर कि अकल सारी सही कर देगी। समाज में रिश्ते बनाने की उम्र में अकेला बैठ कमरे में आज मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, छोटे बच्चे प्यारे होते हैं पीडियाट्रिक्स में ये सोच के ओपी गई कर रहा था। तभी हाथ में उठाई किताब मेडिकल सर्जिकल की, धड़ाम से बेड मेरा टूट गया। अगले दिन प्रैक्टिकल एग्जामिनर ऐसा आया कि सवाल पूछे पूछे इज्जत सारी लूट गया। खिचड़ी बनी पड़ी थी दिमाग में, सोचा था एग्जाम में जो भी होगा उल्टी करके आ जाऊंगा, फिर पता चला साला मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ, अब इजारे में कहाँ पे लगाऊंगा। सीनियर बजा के गए थे क्लास में जब हवा में सारी क्लास थी। आखिरी एक महीना आया एग्जाम का और बस सॉल्व पेपर से आस थी। तभी आधी रात को कॉल आया मेरे बाबू का, दिमाग तो था ही पहले से ख़राब और था मैं बहुत बेकाबू सा। मैंने कहा जाइए जाने मन, साइकेट्रिक पट पट के पागल तो मैं हो ही गया, अब समय नहीं है, सिलेबस लंबा है नर्सिंग का, पढ़ना तो सारा रह ही गया। बजरंग बली का नाम लेके पेपर अगले दिन देने में निकल गया। माँ कसम वो 21 रुपये के प्रसाद की बोली से सारा काम मेरा चल गया। जुड़ा था नर्सिंग एक्सप्लोरर से जिस दिन बड़ी बड़ी मेहरबानी हुई, शनि उतरा कुंडली से किस्मतें मेरी दीवानी हुई, क्योंकि भाई साहब ने ऐसे ही सवाल बताए थे, अगले दिन परीक्षा में सारे के सारे वही आए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए।